है, लेकिन 2007 या हायर वर्जन में सेव हुआ है फाइल, इस फॉर्मेट में अगर फाइल सेव हुआ है तो 2003 में वो नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब क्यों बता रहा हूं मैं, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप भी काम कर रहे हैं, कोई और भी काम कर रहा है, ठीक है, आपके कंप्यूटर में 2007 इंस्टॉल है, ठीक है, और दूसरे के कंप्यूटर में 2003 डाला हुआ है एमएस ऑफिस, ठीक है, तो आप अगर 2007 में सेव करके अगर तीन वाले को देंगे तो तीन वाला ओपन नहीं कर पाएगा, तो आपको कहेगा कि 2003 में तुम सेव करके दो, तब मैं खोल पाऊंगा अपने एमएस वर्ड में। ठीक, अब मेरे में अभी है नहीं, इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा, नहीं तो मैं आपको लाइव दिखा देता, ठीक, लेकिन है नहीं तो अभी मैं दिखा नहीं पा रहा, लेकिन आप कहेंगे दिखाने को, कभी तुम्हें दिखा दूंगा। ठीक है, तो 2003 में भी अगर चलाना है आपको एमएस ऑफिस तो सेव करेंगे आप इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में सेव करना है तो आप यहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस पे मैं क्लिक किया तो ये देखिए यहां पे सिलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने कंप्यूटर का सेटिंग जो है बदल लेता हूं तो आपको और क्लियर कट समझ में आएगा। क्या सेटिंग बदलूंगा जी, यहां पे आऊंगा, इसमें आऊंगा, यहाँ पे हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप, इसको मैं अनचेक करके कर दूंगा। ओके, कहे कि जिस एक्सटेंशन का मैं बात कर रहा हूँ वो एक्सटेंशन अभी शो नहीं कर रहा था, अब शायद शो करने लगा। ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो ये लीजिए। ओह नो, काम तो करेगा नहीं जी मेरा, ऐसे क्या करूं मैं, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा, शॉर्टकट बटन तो मेरा काम कर नहीं रहा है, मैंने कुछ सेटिंग करा था, मैग्नीफायर, नहीं भाई मैंने बदलाव कर दिया है कुछ अपने कंप्यूटर में कमांड और यूटिल मैन से, ठीक है, इसलिए नहीं दिखाएगा अभी मेरे में। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जूम मैं नहीं कर सकता भाई अभी, ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है ना, डॉट डी ओ सी एक्स फाइल का नाम है, माई डी ओ सी, फिर डॉट है छोटा सा, फिर उसके बाद डी ओ सी एक्स है ना। अब वही मैं सेव कर दूंगा 2003 में, ठीक है, इसमें तो क्या होगा, अभी एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है, देखिए डॉट डी ओ सी दिखाई दे रहा है ना, तो ये देखिए अब इसमें सब में एक्सटेंशन दिखाई देगा, ये देखिए डॉट डॉक वर्ड में क्या होगा, वर्ड में डी ओ सी एक्स मतलब 2007, डॉट डी ओ सी मतलब 2003। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन आपको समझ में आ गया, नहीं आया, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइए, नहीं है, आपसे हो सकता है पूछा जाए कि एम एस वर्ड का एक्सटेंशन बताइए, तो अगर ऑप्शन में है डॉट डी ओ सी एक्स तो आप सेलेक्ट करिए, अगर एक्सटेंशन में ऑप्शन ए ऑप्शन में अगर डॉट डी ओ सी एक्स के जगह पे सिर्फ डी ओ सी है तो डी ओ सी बता दीजिए कि एम एस वर्ड का एक्सटेंशन है डॉट डी ओ सी। ठीक, वाइबा में आ सकता है, ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है, आपसे हो सकता है पूछा जाए। ठीक है, आगे चले जी, अब उसके बाद ये ऑप्शन आता है। ठीक है, अच्छा आप लोग पीडीएफ समझते हैं, नहीं समझते पीडीएफ, नहीं समझते पीडीएफ मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक, इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये एमएस वर्ड है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसको मोबाइल में भी मैं खोलूं, ठीक है, तो एमएस वर्ड का फाइल को आप मोबाइल में डाल देंगे तो जनरली नहीं खुलता। ठीक है, नहीं खुलता ये कहना गलत होगा, जनरली नहीं खुलता। ठीक है, अगर कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे ऑफिस सूट या कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, ठीक है, ऑफिस वगैरह का मोबाइल में, तो खुल जाता है एमएस वर्ड का, लेकिन फॉन्ट वगैरह का, हिंदी वगैरह का दिक्कत हो जाता है, अंग्रेजी वगैरह में दिखाने लगता है, ठीक है, तो कुछ दिक्कत होता है। ठीक है, तो क्या करना, करना ये है कि जैसे मान लो हिंदी में ही कुछ टाइप कर दिए, ठीक है, यहाँ पे आओगे मोबाइल में भी खोलना है, ठीक है, और तुम चाहते हो, ठीक है, कि एडिटिंग ना कर पाए, ठीक है, तो मैं इस पे आऊंगा,
यहाँ देखिए पीडीएफ लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे कर दूंगा पब्लिश, इसको कर दिया ऐसे, ठीक है, ये देखिए खुल गया, ठीक है। एमएस वर्ड का जो फाइल है उसको पीडीएफ में बनाना है, कन्वर्ट करना है पीडीएफ में, तो कैसे करने का दिखा दिया मैं, ठीक है। अब पीडीएफ फाइल जो है एडिटिंग जनरली नहीं होता, ठीक है, पीडीएफ फाइल एडिटिंग होता ही नहीं ये कहना गलत होगा, क्योंकि कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं जो कि एडिटिंग कर देते हैं कुछ, ठीक है। लेकिन साधारण तौर पर सामान्यतः बात करूं तो पीडीएफ फाइल एडिटिंग नहीं होता। जैसे ये पीडीएफ फाइल है तो आप, मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, ये देखिए कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि कुछ एडिटिंग कोई ना कर पाए, पीडीएफ बना के दे दीजिए, नहीं कर पाएगा। लेकिन ये साधारण लोगों के लिए है, कुछ उस तरह का लोग है तो भैया वो कुछ कर लेगा, ठीक है। अब पीडीएफ फाइल जो है मोबाइल में ओपन हो जाता है, ठीक है। अब आपका पुराना आउटडेटेड मोबाइल है तो शायद एडोब रीडर का सॉफ्टवेयर मांगे, ठीक है। अगर पीडीएफ फाइल ओपन नहीं होता मोबाइल में तो क्या करोगे, एडोब रीडर का सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ओपन कर सकते हो आप, ठीक है। तो पीडीएफ समझ में आ गया। मोबाइल वगैरह में जैसे विज्ञापन वगैरह कुछ होता है ना, जैसे विज्ञापन में निकलता है प्रेस रिलीज वगैरह, वैकेंसी वगैरह, तो जितना अपलोड करते हैं वो सब पीडीएफ फाइल में ही अपलोड होता है, ठीक है। तो वर्ड को पीडीएफ बनाना है तो आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है। आप चाहते हैं एडिटिंग वगैरह ना कर पाए तो ऐसे कर लेंगे, पीडीएफ और एक्सपीएस वाले ऑप्शन से, ठीक है। अब बात ये है ना कि एमएस वर्ड आपने इंस्टॉल किया, ठीक है, 2003 में ये सुविधा नहीं है, 2007 में ये सुविधा है, लेकिन कब पीडीएफ और एक्सपीएस में सेव करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है अलग से, ठीक है, एमएस वर्ड के साथ नहीं आता, ठीक है। आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल पे सर्च करेंगे सेव एज पीडीएफ एंड एक्सपीएस एमएस वर्ड 2007, ठीक है, ऐसा सर्च करेंगे तो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको, और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देंगे तो ये फीचर आप में काम करने लगेगा आपके, अगर कंप्यूटर आपके पास है तो, ठीक है। लेकिन सिर्फ एमएस ऑफिस इंस्टॉल करके ये फीचर काम नहीं करेगा, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, मेरे में है तो काम कर रहा है, ठीक है। पीडीएफ के बाद आप चाहें तो एक्सपीएस में भी इसको सेव कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। एक्सपीएस खाली कंप्यूटर में ही ओपन होता है, मोबाइल में ओपन नहीं होता। मोबाइल में ओपन नहीं होता सीधा कह देना गलत होगा, कुछ सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि मोबाइल में भी ओपन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मोबाइल में ओपन करना पीडीएफ को ज़्यादा आसान है, एक्सपीएस को ओपन करना थोड़ा कठिन है, ठीक है। पब्लिश कर दूंगा एक्सपीएस, स्पेशली कंप्यूटर वगैरह के लिए माइक्रोसॉफ्ट बनाया था इसका, ठीक है, और ऑफलाइन प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। अब ये एक्सपीएस है, ये भी एडिटिंग का सुविधा नहीं देता, ये डिलीट कुछ करूंगा ना इसमें तो ये नहीं होगा। आप डॉक क्या चीज, नहीं नहीं नहीं, मैं कंटेंट जैसे यहाँ पे कुछ लिखा ना और एक्सपीएस में सेव कर दिया, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ ना कि DOCX है, इसको अब मैं हटा दूँ तो ये नहीं हटेगा, ये सेव हो गया तो हो गया, ठीक है, ये हटता नहीं है। अब सीधा हटता नहीं है कहना गलत होगा, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं जो कि कर देते हैं एडिट, लेकिन साधारणतः सामान्यतः इंसान इसको नहीं बदल पाता, ठीक है। पीडीएफ को एडिट करने से ज़्यादा कठिन है एक्सपीएस को एडिट करना, क्योंकि पीडीएफ एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ज़्यादा आते हैं, एक्सपीएस का कम आता है, राइट, ठीक है। तो ये है एक्सपीएस, ठीक है। तो ये पीडीएफ और एक्सपीएस समझ में आ गया नहीं आया, जी आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, कोई समस्या नहीं है, चलो ये वाला हो गया। अब आता है अदर फॉर्मेट, अदर फॉर्मेट का मतलब ये है कि कुछ इतना सारा है, HTML में सेव करना चाहते हैं तो HTML में कर दो, PDF में सेव करना चाहते हो तो ऐसे सेव कर लो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ना, जरूरी नहीं है कि पीडीएफ में सेव करना है तो आप यहाँ पे आके क्लिक करो तब वो सेव हो, तबे सेव होगा, यहाँ सेव है जाए ना, इस पे ही क्लिक कर दो और आ जाओ इस पे, ठीक है, और यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर लो पीडीएफ, पीडीएफ में सेव हो जाएगा, ठीक है। एक्सपीएस सेलेक्ट कर दो तो एक्सपीएस हो जाएगा, इधर HTML भी है, ठीक है, HTML में चाहो तो HTML में सेव हो जाएगा, टेक्स्ट फाइल में चाहो तो सिंपल टेक्स्ट में भी सेव हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट फाइल क्या है, रिच टेक्स्ट फाइल क्या है, XML क्या है, आगे हम पढ़ लेंगे कभी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सेव एज तक
यहाँ